श्रीकांत फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉस किचन। तो आज एक लेफ्ट ओवर राइस की रेसिपी के साथ, तो देखिए उसके लिए क्या चाहिए। देखिए सिंपल रेसिपी है, चावल बचे हुए हैं हमारे पास, कुछ बनाने का मन है कि क्या करें इसका, कुछ टिक्की वगैरह बनाने का मन नहीं है कि भी चलो इसके अंदर आलू पनीर डाल के इसके कटलेट्स बना दे, वो नहीं बनाना। तो सिंपल क्या कीजिए, टमाटर और प्याज हर टाइम घर पर रहते हैं, करी लीव्स हैं ठीक है, नहीं है तो तब भी कोई बात नहीं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखिए मसाले मैंने निकाल लिए हैं। अब सबसे पहले इसके अंदर मैं ये ऑयल जो है गर्म होने के लिए रख दिया, करी लीव्स अगर अवेलेबल है तो आप वो डाल दीजिए। इसके साथ ही ये मस्टर्ड सीड, जीरा, ये डाल दिया, इसको मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर मैं ये प्याज डाल दूंगी, ये एक प्याज लिया था बड़ा था, और ये डिपेंड करता है कि कितना चावल है तो उसी के हिसाब से आप प्याज टमाटर, और हम लोग घर में इसको बोलते हैं प्याज टमाटर वाले चावल, बच्चे बोलते हैं मम्मी चावल बचे हैं तो चलो आज ना प्याज टमाटर वाले बना दो। आप चाहें इसके अंदर आप कॉर्न ऐड कर सकते हैं, पीज ऐड कर सकते हैं, पनीर, शिमला मिर्च, जो भी आप चाहें, बट हम लोग सिर्फ प्याज टमाटर का ही इसको बनाते हैं। बस इसको अब मुझको क्या करना है, थोड़ा सा इसको भूनना है ताकि प्याज का जो है कच्चापन चला जाए। तो ये देखिए प्याज हमारे जो है ये थोड़े से अब भून चुके हैं, ये देखिए गोल्डन होने स्टार्ट हो गए हैं। तो बस अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर बाकी के मसाले भी ऐड करूंगी। बस सिंपल क्या है, नमक और मिर्च, ये देखिए, और धनिया पाउडर। नमक जितना है चावल है या जितना आप जिस हिसाब से खाते हैं वो ऐड कर दीजिए, और इसके अंदर मिर्च, आप चाहें तो आप इसके अंदर हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो हो गया। तो और थोड़ा सा इसके अंदर मैं ये धनिया पाउडर डाल देती हूँ, आप चाहें तो आप इसके अंदर हल्दी भी ऐड कर सकते हैं कि चलो थोड़ा येलो कलर वाले चावल खाने का मन है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। ये हो गया, अब इसके साथ ही इसके अंदर मैं ये टमाटर डाल दूंगी। ये झटपट रेसिपी है जिसको बोलते हैं ना, ये वो है। टमाटर प्याज की शेप आप जैसा काटना चाहें, बारीक काटना चाहें आप बारीक भी काट सकते हैं, लंबा काटना है जिस भी शेप में आप चाहें प्याज टमाटर को आप काट सकते हैं, बट प्यूरी मत डालिएगा, प्यूरी से वो फ्लेवर नहीं आएगा इसमें, थोड़ा सा कलरफुल बनेगा तो अच्छा लगेगा। बस इसको अब इसी तरह से मैं 2 मिनट के लिए भून लूंगी। तो ये देखिए मैंने फ्लेम को थोड़ा लो कर दिया था क्योंकि आजकल देसी टमाटर तो आ नहीं रहे हैं, तो ये बॉम्बे वाले हैं तो ये थोड़ा टाइम लगाते हैं गलने में। तो ये देखिए ये हमारा मसाला भून चुका है, और बस अब इसके अंदर मैं ये चावल डाल दूंगी, और इस चावल को अब अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बस झटपट बन गए, खाने का मन है आपको, भूख लगी है, चावल बचे हैं, बस प्याज टमाटर काटे, जब तक प्याज भुनेंगे तब तक आप टमाटर काट लो, बस नमक मसाले डाले, और हमारे झटपट वाले जो है इंस्टेंट हमारा ये बन गया। आप चाहे शेजवान सॉस इसके अंदर डालो, अंडे उबले हुए पड़े हैं आप वो डाल सकते हो, या वैसे भी अगर इस तरह से देखिए अब ये चावल बन गए, आप बेशक से जब प्याज टमाटर हम भून रहे थे उस टाइम पे आप अंडे भी डाल दो, वो अंडे की भुर्जी टाइप बन जाएगा, तो बस उसके अंदर जब वो बन गए तो उसके अंदर ये चावल डाल दीजिए, तो वो आपके एग राइस बन जाएंगे। ये देखिए अब ये चावल हमारे बन गए हैं बिल्कुल, और खाने को तैयार करिए। देखिए थोड़ा सा इसको अच्छे से मिक्स कर लें, और ये गर्म भी अच्छे से हो जाए, क्योंकि पड़े हुए थे फ्रिज में, मैंने फ्रिज से ही निकाले हैं तो ठंडे हैं अभी थोड़े। तो ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, आप कुछ भी ऐड करो, बस प्याज टमाटर डालो नहीं तो, और बन गया फटाफट। इसलिए अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमारे प्याज टमाटर के चावल बनके तैयार हैं, झटपट रेसिपी से फटाफट बन गए, बहुत टेस्टी लगते हैं। स्पाइसेस आपको जो डालनी है, जितनी मिर्च हरी मिर्च डालनी है, जो आपको डालना है आप डालिए, बट बनाइएगा जरूर, बताइएगा आपको कैसे लगे, और रेसिपी का जो है ट्राई करेंगे तभी कमेंट्स देंगे, ट्राई कीजिएगा बताइएगा, और अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना
मत भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में सब इंग्रेडिएंट्स मिल जाएंगे, वहीं पर ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिलेगा, आप चाहें तो मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हैं। और वहीं पर ही आपको मेरी और रेसिपीज के लिंक भी मिलेंगे, आप वो भी ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आपको कैसी लगी। और अपना ध्यान रखिएगा, बाय।